नंबर देखते हैं, दिया हुआ है 125 ए का क्यू माइनस का 27 बी का क्यू माइनस प्लस का सी का क्यू और प्लस का 45 ए बी सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसे 5 ए का क्यूब लिख सकते हैं, फिर प्लस इसे माइनस का 3 बी का क्यूब और प्लस में सी का क्यूब, माइनस 3 इंटू में 5 ए इंटू में माइनस का 3 बी इंटू में सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, है ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की माइनस 3 ए बी सी वाला आइडेंटिटी लगाते हैं तो हो जाएगा 5 ए प्लस का माइनस 3 बी प्लस का सी, फिर आपका हो जाएगा 5 ए का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस 5 ए इंटू में माइनस 3 बी माइनस का 3 बी इंटू में यहाँ सी और फिर माइनस का सी इंटू में हो जाएगा 5 ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ पर 5 ए माइनस का 3 बी प्लस का सी, यहाँ पे आ जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस का 9 बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा पंक्ति 15 ए बी, अच्छा प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 बी सी और माइनस का 5 क्या आ जाएगा सी ए या ए सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका।